हे फूडीज, वेलकम बैक टू मसाला मंचीज। आज मैं लेके आई हूँ फेमस गुजराती डिश फाफड़ा। वैसे तो फाफड़ा खाने के लिए किसी त्यौहार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दशहरा का त्यौहार फाफड़ा के बिना अधूरा है। बाज़ार से लाने की जगह पे आप भी फाफड़ा और कढ़ी ये सिंपल सी रेसिपी से घर पर बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। इससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फाफड़ा बनाने के लिए परात में एक कप बेसन लेंगे, उसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम पापड़ का खार और 1/2 टीस्पून जितना अजवाइन। इसे ऐसे हाथ से मसल के डालेंगे, बीच में ऐसे थोड़ी जगह करके 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे दोनों हाथों से मसल लेंगे ताकि तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। तेल अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है और इसका डो बनाना है। एक एक टेबलस्पून जितना पानी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर टोटल मुझे 4 टेबलस्पून जितना पानी लगा है। आपको ऐसा मीडियम डो बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे मथ लेंगे। 2 मिनट के बाद ऐसा सॉफ्ट डो हो जाएगा। इसमें 1/2 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे और इसे थोड़ा मथ लेंगे ताकि ऑयल जो है वो डो पर अच्छे से कवर हो जाए। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक रहने देंगे। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि डो स्मूथ हो गया है। आपका डो इतना सॉफ्ट होना चाहिए, अगर ना हो तो इसमें थोड़ा पानी डालें और मथ लें। और अगर डो ज़्यादा सॉफ्ट हो गया हो तो इसमें थोड़ा और बेसन डाल के इसे मथ लें। अब इसमें से एक लुइया बना लेंगे और तेल गरम करने के लिए रख देना है। इसे ऐसे रोल करेंगे। अब हम इसमें से फाफड़ा का शेप देंगे, उसके लिए रोल को आपको ऐसे रखना है। अब हमें डो को यहाँ से प्रेस करके खींचना है। और हमारा फाफड़ा का शेप बन गया। साइड में ऐसा मोटा पोर्शन हो तो इसे कट कर ले। चाकू की मदद से ऐसे फाफड़ा को सरफेस से अलग कर लेंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा शेप देना है आपको। आपको 1-2 फाफड़ा बनाते जाना है और इसे फ्राई करते जाना है। तेल आपको चौड़े बर्तन में गरम करना है क्योंकि फाफड़ा साइज में लंबे होते हैं। तेल गरम हो जाए तब फाफड़ा तेल में डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब उसे प्लेट में निकालेंगे। वाह, कितना बढ़िया फाफड़ा बना है। इसी तरह से दूसरा फाफड़ा बनाएंगे और फ्राई करेंगे। इसी तरह से बाकी के फाफड़ा भी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे फाफड़ा बना लिए हैं। अब फाफड़ा को और भी टेस्टी बनाने के लिए उसकी कढ़ी बना लेते हैं। फाफड़ा की कढ़ी बनाने के लिए 1/2 कप बेसन लेना है। उसमें 1/2 कप दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। इसमें 2 हरी मिर्च के टुकड़े और 2 कप जितना पानी ऐड करेंगे।
इसे ब्लेंडर की मदद से क्रश कर लेंगे। आपको इसका ऐसा लम्फ्री मिक्सचर बनाना है। अब इसे साइड में रखते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून जितना तेल या फिर आप घी भी ले सकते हैं। तेल गर्म हो जाए तब उसमें 1 टीस्पून राई ऐड करेंगे। राई फूटने लगे तब उसमें 6 से 7 करी पत्ते, पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ हींग और हमने जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड करेंगे। मिक्स करके इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1.5 टेबल स्पून जितनी चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसे मीडियम स्लो फ्लेम पर 1 से 2 उबाल आए तब तक कंटिन्यूस चलाते जाना है। थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा होने लगा है। इसमें 1 कप जितना पानी और डालेंगे। मुझे थोड़ी हल्दी कम लग रही है तो 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी मैं और ऐड कर रही हूँ ताकि इसका कलर बाजार में जो येलो चटनी मिलती है बिल्कुल ऐसा आए। इसे मिक्स कर लेंगे। ये गाढ़ा होने लगा है और बबल्स भी हो रहे हैं। इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट के बाद कढ़ी बनकर रेडी है और ये काफ़ी थिक भी हो गई है। इसे गर्मा गर्म फाफड़ा के साथ सर्व करें। तो है ना फाफड़ा बनाना बहुत ही आसान। आप भी इस दशहरा पर फाफड़ा और कढ़ी घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।